योगी आदित्यनाथ आज मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार प्रदेश में इसके लिए सबसे बड़ा अभियान चलाने जा रहे हैं। 38 जिलों में चलने वाले अभियान को लेकर सीएम योगी की गंभीरता सी बात से समझ जा सकती है कि आज वो इसकी शुरुआत के लिए कुशीनगर के मुसहर बस्ती में खुद मौजूद है। इस मौके पर करीब 200 बच्चों को टीका लगाया जाएगा। सीएम ने अन्य जिलों में अभियान की शुरुआत के लिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहित अन्य मंत्रियों, सांसदों, विधायकों को जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही ग्राम प्रधानों तक से सहयोग में जुटने की अपील की है। इस दौरान 38 जिलों में करीब 25 मई से 11 जून तक टीकाकरण अभियान संचालित किया जाएगा। अभियान के लिए सर्वेक्षण में सामने आए टीकाकरण से छूटे 1 से 15 साल तक के करीब 90,000 बच्चों को टीकाकरण का लक्ष्य तय किया गया है। साल 2005 में इस बीमारी का भीषण रूप से सामने आने के बाद से पहली बार इस स्तर का अभियान चलाया जा रहा है, जिसके लिए केंद्र सरकार से 1 करोड़ वैक्सीन मांग ली गई है। गोरखपुर BDS कॉलेज में इस बीमारी के उपचार की व्यवस्था मजबूत करने के लिए आज से मानव संसाधन उपकरण व दवाओं की उपलब्धता रखने के लिए केंद्र सरकार से 22 करोड़ 50 लाख रुपए की मांग की गई है। इस अभियान में लगे डॉक्टरों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं।